भाई आपको नहीं लगता है गॉडलाइक के तीन मेंबर हमेशा अच्छे रहते हैं, बट बस एक प्लेयर के आता है वो अच्छा। देखो यार, फ्लेम गेमिंग डिपेंड करेगा वो चीज़। आई नो कि आप तुम बोलो कि वो तीन प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं एक प्लेयर का, बट देखो जो चौथा प्लेयर है वो भी कोशिश करता है भाई अपना स्लॉट जो रहे टीम में, लाइक प्लेइंग फोर में परमानेंट रहे तो बेस्ट रहेगा, राइट? तो कोशिश है उसके द्वारा भी, चाहे वो जी गॉड रहे। वैसे तो मैं तो चाहता था कि जी गॉड के साथ ही कंटिन्यू करते बीएमपीएस को, तो बेटर रहता, लेकिन चलो ठीक है, सिम को एक मौका मिला, है ना? सिम को एक मौका मिला और प्रूफ कर रहा है वर्थ। आई नो कि उतने ज़्यादा फ्रैग्स नहीं निकले हैं फिर भी, लेकिन कर लेगा भाई राउंड टू, उसको पता है। और ऐसा भी नहीं था कि जब वो बेंच हो रखा था सिम तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था भाई, वो भी अपना प्रैक्टिस कर रहा था, अभी लाइव में भी कर रहा था, कभी ऑफ स्ट्रीम भी करता रहता है। तो भाई मेहनती बंदा तो है, रेवेनेंट से उसको मतलब देख रखा है मैंने, बहुत मतलब मेहनती तो है भाई। चाहे कोई भी प्लेयर्स बोलो, हर कोई मेहनत करता है भाई, क्योंकि करियर के ऊपर जब चीज़ें आती है ना तो भैया मेहनत तो करनी पड़ती है। राउंड टू में गॉडलाइक के मैचेस कब हैं? अब यार ये डेट अभी स्पेसिफाई नहीं हुई है, अभी प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रुप्स बनेंगे आपके, ठीक है? अब वो कैसा रहे, क्योंकि आपको लास्ट टाइम, अगर आपको पता होगा एक पढ़ को, लास्ट टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ग्रुप्स बने थे आपके, ये जब शफल हुआ था ऑन द बेसिस कि जो पहले जो टॉप 64 टीम है, ठीक है, और जो बॉटम 64 टीम है, ठीक है। अभी जो रीशफल हुआ था रिसेंट, वो ऐसे हुआ था कि आठ टीम यहाँ से उठाई, फिर आठ टीम यहाँ से उठाई, फिर आठ टीम यहाँ से उठाई, आठ टीम यहाँ से उठाई। तो अब मुझे लग रहा है अगर ऐसा ही चला, अगर यही क्रोनोलॉजी चलती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो अब टॉप 64 है, ठीक है, टॉप 64 में कहीं ऐसा करे कि भाई 32 यहाँ से, 32 में से, और जो बॉटम 32 है, ये भी हो सकता है पैटर्न अगर यही फॉलो होता है तो। मैं श्योरिटी नहीं बोल सकता, ठीक है, तो यहाँ से फिर आठ टीम उठाए, इधर से आठ टीम उठाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखो चार ही ग्रुप बनने अब, राइट? अब चार ही ग्रुप बनने आपके, तो हो गया ऐसे करके। तो अभी पहले तो करेक्ट, पहले तो पॉइंट्स टेबल बनने दो, पॉइंट्स टेबल बन जाएगी तो फिर बात बन सकती है।